नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के पाठक यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जो यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों की जो बैठक बुलाई गई थी, वह स्थगित कर दी गई है। जी हां दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि के पाठक और राजभवन के बीच कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक को स्थगित करने के साथ साथ यह भी आदेश दिया गया है कि यूनिवर्सिटी के खाते का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के बकाए वेतन और उनके पेंशन को भी जल्द ही दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसे अब वापस लेने की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बैठक में एक भी कुलपति या कुल सचिव नहीं पहुंचे, मीटिंग रूम पूरी तरह से खाली दिखा, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि के पाठक और राजभवन के बीच बातचीत हुई और उसके बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 फरवरी को भी कुल सचिव, कुलपति और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद राजभवन ने साफ तौर पे उन्हें इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने आदेश दिया था इस बैठक में शामिल नहीं होने का, जिसके बाद एक बार फिर से जब शिक्षा विभाग की बैठक आज यानी कि 9 मार्च को बुलाई गई, तो उसमें भी एक भी कुलपति या कुल सचिव नहीं पहुंचे हैं। इस बार भी राजभवन ने साफ तौर पे कुल सचिवों को बैठक में जाने पर रोक लगाई थी, उन्होंने मुख्यालय को छोड़ने से मना किया था, जिसके बाद अब बड़ी खबर सामने आ गई है कि बैठक को ही स्थगित कर दिया गया है। तो बता दें आपको कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पिछले बार कुलपति और कुल सचिव ने जब इस बैठक को अटेंड नहीं किया था, उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी, के पाठक के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया था। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आज 9 मार्च को जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी कुल सचिव और कुलपति के शामिल नहीं होने से आखिर इसके बाद शिक्षा विभाग यानी कि के पाठक के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाता है, ये भी बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आगे जितने भी तरह के इस खबर से जुड़े अपडेट सामने आएंगे, उनसे हम आपको जरूर रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।